आज जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है ना, वो है एक्सचेंज ऑनलाइन, क्योंकि इस एक्सचेंज ऑनलाइन के केस में विल ट्राई टू अंडरस्टैंड अबाउट ऑल द फीचर्स. दोज फीचर्स कैन हेल्प अस टू मैनेज द माइग्रेशन, दोज फीचर्स कैन हेल्प अस टू सेटअप हाइब्रिड इन्वायरमेंट, और जो भी पॉलिसीज वगैरह या रूल वगैरह डिजाइन किए जाते हैं ना, वो सारे टास्क हम इस एक्सचेंज ऑनलाइन में कवर करने वाले हैं. थोड़ा सा गाइड कर दूं हाउ इट हेल्प इन केस ऑफ रियल इन्वायरमेंट, ये आपके डे टू डे एक्टिविटी में कितनी हेल्प करेगा उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, एंड देन विल डिस्कस अबाउट द ईच एंड एवरी फीचर्स. क्योंकि हमने अभी तक जो डिस्कशन किया है वो एडमिन सेंटर पे जो सर्विसेज थी उन पे बात की है, या फिर माइक्रोसॉफ्ट एज्यूर एडी यानी माइक्रोसॉफ्ट इंट्रा एडी पे हमने डिस्कशन किया था. दैट्स इट. नाउ दिस टाइम वी जस्ट नीड टू क्लिक ऑन द एक्सचेंज, और उसके बाद फिर थोड़ा बहुत शेयर पॉइंट का और टीम्स का भी डिस्कशन होगा. अभी के लिए एक्सचेंज पे हमने क्लिक किया, सेम आईडी से लॉगिन करना है क्योंकि सेम अकाउंट है हमारा, पोर्टल केवल अलग है. और इस एक्सचेंज में बहुत सारी चीजें हमारी ऑलरेडी कवर है, बट जो ऑप्शंस आपने कवर किए थे एडमिन सेंटर के केस में, वो ऑप्शन से ज्यादा फीचर्स आपको दिखाई पड़ेंगे एक्सचेंज के केस में. आप देखिए, सबसे पहला ऑप्शन, दिस इज द पैनल ऑफ एक्सचेंज एडमिन सेंटर. अंडर द एक्सचेंज एडमिन सेंटर वी आर एबल टू फाइंड रेसिपिएंट, और रेसिपिएंट के अंदर आपको चार ऑप्शन दिखाई पड़ रहे हैं. मेल बॉक्सेस है, ग्रुप है, रिसोर्सेज है और कॉन्टैक्ट है. कॉन्टैक्ट वगैरह हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, ग्रुप के बारे में हमने डिस्कशन नहीं किया क्योंकि ज्यादातर कंपनीज जो हैं ग्रुप को मैनेज करने का काम विद द हेल्प ऑफ एक्सचेंज एडमिन सेंटर ही करते हैं. ठीक है, नो वन कैन सेटअप द ग्रुप एक्टिविटी विद द हेल्प ऑफ एडमिन सेंटर, क्योंकि वहां पे जो फीचर्स या ऑप्शंस दिखाई पड़ते हैं वो आपके इस वाले फीचर और ऑप्शन से कई गुना कम रहते हैं. चलिए प्रोसीड करते हैं और ट्राई करते हैं समझने की और ज्यादा कि क्या क्या ऑप्शंस हो सकते हैं. सबसे पहले रेसिपिएंट के अंदर हमारा ऑप्शन आता है मेल बॉक्सेस का. मेल बॉक्सेस को समझने की कोशिश करें, विच इज रियली इंपॉर्टेंट फॉर अस. ये हमें मालूम होना चाहिए एज ए ऑफिस 365 इंजीनियर की इंपॉर्टेंस ऑफ मेल बॉक्सेस एंड हाउ वी कैन मैनेज द मेल बॉक्सेस ओवर एक्सचेंज एडमिन सेंटर. सो आर ए चिंता, आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं एक्सचेंज ऑनलाइन के बारे में, एक्सचेंज एडमिन सेंटर के बारे में. एंड अंडर द एक्सचेंज एडमिन सेंटर हमें बहुत सारे ऑप्शंस दिखाई पड़ रहे हैं, जिसमें से पहला ऑप्शन है आपका विच इज रियली इंपॉर्टेंट मेल बॉक्सेस. ठीक है, मेल बॉक्स क्या होता है, कितने तरीके के होते हैं, उन सभी के बारे में डिस्कशन करेंगे. मेल बॉक्सेस पे क्लिक करने के बाद आप देखिए यहाँ पे एक शेयर्ड मेल बॉक्स दिखाई पड़ रहा है, उसके नीचे ग्रुप दिखाई पड़ रहा है और कुछ बिल्ट इन मेल बॉक्सेस भी होते हैं. तो मेल बॉक्सेस में हम सबसे पहले क्लिक करने वाले हैं शेयर्ड मेल बॉक्स. सो इंपॉर्टेंस ऑफ शेयर्ड मेल बॉक्स समझने की कोशिश करते हैं, व्हाट इज इंपॉर्टेंस ऑफ शेयर्ड मेल बॉक्स. पहला टॉपिक है हमारे पास, एज पर द नेम सजेस्ट शेयर्ड मेल बॉक्स इज अप्लीकेबल फॉर, वी नीड टू क्रिएट दिस पर्टिकुलर मेल बॉक्स फॉर द स्पेसिफिक ग्रुप. इसका जो डिजाइन किया जाता है ना, वो एक स्पेसिफिक ग्रुप के लिए डिजाइन किया जाता है. दूसरी इंपॉर्टेंट पार्ट इसमें, दूसरी इंपॉर्टेंट बात जो है इसमें, कि शेयर्ड मेल बॉक्स के केस में के लिए, राइट, इन केस ऑफ शेयर्ड मेल बॉक्स के केस के लिए नो नीड टू असाइन द लाइसेंसेस. हमें किसी भी लाइसेंसेस को असाइन करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती. Let's try to understand with the help of example. For example, I'm going to create one shared mailbox with name of local IT, ठीक है, और internal IT. अब local IT या internal IT की responsibility क्या होती है, कि जो on premises पे, जो office premises पे resources लगे हैं उनको take care करने की. हम लोग client को handle करते हैं और हमारी मशीन को handle करने की responsibility क्या होती है, हमारी machines को handle करने की responsibility होती है internal IT की. Is that clear? चलो ट्राई टू अंडरस्टैंड अबाउट. फॉर एग्जाम्पल हमने इसमें कुछ बंदे हायर किए हैं, तीन बंदों को हायर किए हैं, लाइक एज मे बी ए डब्ल्यू एस इज द इंजीनियर इम्प्लॉय, अलीबाबा भी हमारा एक इम्प्लॉय है और एज्योर भी हमारा एक इम्प्लॉय है. ठीक है, ये तीन बंदे हैं जो इंटरनल आईटी के लिए काम करते हैं. अब फॉर एग्जाम्पल कंपनी के अंदर तो बहुत सारे बंदे हैं, लोकल ईमेल के लिए काम ये तीन बंदे करते हैं। हाँ, लोकल आईटी के लिए ये तीन बंदे टास्क परफॉर्म करते हैं, राइट. और बाकी जो बंदे हैं, मतलब कंपनी में 200 से 500 बंदे हैं,
ठीक है ना, जो जिनको वर्क स्टेशन असाइन किया गया है उनके पास कोई प्रॉब्लम आती है, उनके वर्क स्टेशन में कोई इशूज आते हैं, तो यही बंदे हैं जो उनको रिजोल्व करते हैं, यही बंदे हैं जो उनको सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं. क्लियर? ठीक है, अब ट्राई करो, समझने की कोशिश करो. फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे हमने एक ईमेल आईडी डिजाइन कर दी. द ईमेल आईडी इज लोकल आईटी एट द रेट टीच मी क्लाउड डॉट इन. ठीक है, टीच मी क्लाउड डॉट इन, ये अपने पास क्या हो गया, ये हमारी आईडी हो गई. आईडी इन द सेंस कि ये पब्लिक आईडी हो गई. अगर किसी भी बंदे को कोई प्रॉब्लम है, उसके डेस्कटॉप में प्रॉब्लम है, उसके लैपटॉप में प्रॉब्लम है, कीबोर्ड माउस में कोई इशूज हैं, तो उस केस में, उस सिचुएशन में क्या करेगा, वो इस ईमेल आईडी के ऊपर सेंड करेगा मैसेज. मैसेज सेंड करेगा, जब भी ये मैसेज आएगा ये ब्रॉडकास्ट होगा. ब्रॉडकास्ट लेकिन सभी में नहीं, ये ब्रॉडकास्ट होगा केवल 3 बंदों में जिनको आपने मेंबरशिप असाइन कर रखा है. गॉट इट व्हाट आई एम सेइंग? टेलनेट एक इम्प्लॉय है इस कंपनी का, टेलनेट एक इम्प्लॉय है, और टेलनेट एट द रेट टीच मी क्लाउड डॉट इन ने क्या किया, इनको एक मैसेज सेंड किया कि आई एम फेसिंग इशूज विद माई कीबोर्ड एंड माउस, ठीक है, और कैन यू प्लीज रिजॉल्व इट. वो ईमेल तीन तीन लोग को जाएगा जो हमने असाइन करके रखा है लोकल आईडी चेंज पे. माओ माई माउस. ठीक है, अब ये जो मैसेज है ना, ये ब्रॉडकास्ट होगा इन 3 बंदों के बीच में. ठीक है, जितने भी बंदे यहाँ पे हैं इन सब के पास सेम मैसेज जो है ब्रॉडकास्ट होगा. अब सेम मैसेज ब्रॉडकास्ट होने का मतलब है कि हम प्रोडक्टिविटी को इनहेंस करना चाहते हैं, तभी ये इन 3 बंदों को ऐड किया है. प्रोडक्टिविटी इनहेंस करने का मतलब कि हो सकता है कि कोई बंदा बिजी हो उस टाइम पे, राइट? कोई भी बंदा बिजी हो सकता है उस टाइम पे, लेकिन जो बंदा फ्री है ना इस टाइम पे, जो बंदा फ्री है उस टाइम पे, वो उसको रिवार्ड बैक करेगा, वो तुरंत की तुरंत, ठीक है, मेरे मेरे पास, हाँ, वो रिप्लाई देगा, और रिप्लाई करने के बाद, ठीक है, सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करेगा. अब इसका बेनिफिट क्या है, क्योंकि इसी तरीके से एक चीज और हम डिस्कस करने वाले हैं, एक पार्ट और डिस्कस करेंगे, विच इज कंसीडर एज ए डिस्ट्रीब्यूशन लिस्ट, है ना. तो डिस्ट्रीब्यूशन लिस्ट और शेयर्ड मेल बॉक्स, कहीं काफी ज्यादा कंफ्यूजन इन दोनों के बीच में, तो लेट्स स्टार्ट टू अंडरस्टैंड अबाउट द कंफ्यूजन बिटवीन द शेयर्ड मेल बॉक्स और डिस्ट्रीब्यूशन लिस्ट के बारे में भी थोड़ा सा देखते हैं. चलो यहाँ पे हम आ जाते हैं. या सॉरी आशीष, के नहीं है मी. यस सर. ठीक है, अब ये जो मैसेज है ना, वो तीनों के पास एक साथ ब्रॉडकास्ट होगा. दूसरा, क्या क्या बेनिफिट है इसके शेयर्ड मेल बॉक्स के या आपके नॉर्मल मेल बॉक्स की, यानी यूजर मेल बॉक्स के स्पेस को कंज्यूम नहीं करता, राइट? पहला, और दूसरा ये नो लाइसेंस रिक्वायर्ड. इसके लिए किसी भी लाइसेंस की रिक्वायरमेंट नहीं होती. No use of user mailbox space. User mailbox इसके स्पेस के रिक्वायरमेंट नहीं होगी इसके साथ, ठीक है. और वी कैन सेंड मेल एंड रिवर्ट मेल. हम इसमें मैसेज को सेंड भी कर सकते हैं और रिवर्ट बैक भी कर सकते हैं, जो भी इनके अंदर इंप्लॉय बंदे हैं. रिवर्ट बैक में मतलब कोई रिप्लाई करना चाहता है कि ठीक है, आई एम टेकिंग केयर, राइट? आपने मैसेज सेंड किया, आपने मैसेज सेंड किया, उन तीनों में से एक बंदे ने क्या किया, मैसेज देखा और आपके मैसेज को रिवर्ट बैक करता है कि आई एम अवेलेबल, आई एम गोइंग टू सेंड योर रिवर्ट बैक योर मैसेज. बहुत बेसिक सा स्टेप है, लेट मी हेल्प यू टू अंडरस्टैंड अबाउट कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं इसको विद प्रैक्टिकल. इसके लिए हम अपने यूजर्स के पैनल पे आ जाते हैं, देखते हैं कितने नंबर ऑफ यूजर्स हैं. तो 1, 2, 3 कुछ यूजर्स अवेलेबल हैं.
लेट मी ऐड टू आर थ्री डिफरेंट यूजर्स, एक इसमें दो तीन यूजर्स को और ऐड कर लेते हैं ताकि प्रैक्टिकली हम इसको वैसे ही ट्रीट करें जैसे रियल एनवायरनमेंट में. चलो हैं बहुत सारे हैं, बट आई डोंट नो अबाउट द पासवर्ड ऑफ दीज यूजर्स. कई सारे यूजर्स बने हैं, कुछ हमको इनको डिलीट करना पड़ेगा. जस्ट गिव मी वन मिनट, लेट मी रिमूव दीज यूजर्स. लेट मी क्रिएट फ्यू यूजर्स. यहाँ पे हम कुछ यूजर क्रिएट कर लेते हैं, लाइक एज विद नेम ऑफ टेलनेट. नॉर्मल ही रखेंगे इनको, बस इनके लाइसेंस वगैरह असाइन कर देंगे. दैट्स इट. आई एम नॉट गोइंग टू मेक एनी मेंबर. ठीक है, एक यूजर हो गया. दूसरा यूजर हम बना लेते हैं विद नेम ऑफ अलीबाबा. प्रोवाइड पासवर्ड. And Azure. चलो लेट्स टेक एन एग्जांपल कि ये तीन बंदे, ये जो नए यूजर्स हमने तैयार किए हैं ना, ये सारे के सारे यूजर्स जो हैं नए हायर हुए हैं. कंपनी ने इनको हायर किया है और they are responsible to take care the local internal IT. Azure, Telnet, Alibaba, ये तीन यूजर हमने डिजाइन किए हैं, राइट? सो एडमिन सेंटर पे जा करके इन यूजर को हम दे देते हैं लाइसेंस, असाइन कर देते हैं. ठीक है, एक तो Azure हमने बनाया, अनलाइसेंस है, लाइसेंस में जाते हैं. लेट मी असाइन वन लाइसेंस, 25 लाइसेंस इंटून का अवेलेबल है. इंट्राइटमेंट का आईडी वी डू लाइसेंस अवेलेबल है. I want to get all of this like nonsense shit out of the way before she disappears to the robot. You know, she's going to be dragged around. It's not her fault. You can't even blame her for that. It's diesel. But just to make sure, okay, let me check. Free trial license and make or activate. The company, can they rely on Uji to teach me about the robot? I don't stand. She's the closest person that's reliable. Okay. Ashish, can you mute yourself? Yeah. Although I have already utilized most of free trial license, but let me check if any other license are remaining. So usi ko hum activate kar lenge, and because we need to send the email and receive the email, kyunki jab bhi hum apne is shared mailbox ka istemal karte hain na, to jo owner hoga uske paas license hona zaruri hai. Members ke paas ho ya na ho, but usme jo ownership jisko assign karenge, group ka ownership jo hoga us bande ke paas license hona zaruri hai. Means so AWS or Azure uske paas license hona zaruri hai.
हाँ जो जो मतलब जो जिसको ऑनर बनाएंगे ना, ऑनरशिपिंग देंगे, उनके पास होना जरूरी है जी। Microsoft 365 बिजनेस। I spoke to the pharmacist and they decided. Okay. विदाउट टीम्स ठीक है, हमें टीम्स की रिक्वायरमेंट भी नहीं है, पेंडिंग दिखाई पड़ रहा है, 25 लाइसेंस है, बट एटलीस्ट हमारा आउटलुक वाला काम हो जाएगा। वी आर एबल टू सेटअप एंड मैनेज द आउटलुक सर्विसेज। आउटलुक हम इसमें डिस्कस कर सकते हैं। Done. License is ready to use. Back to our users management. Under the users, assign the licenses. License to the users that we just created, like as Azure, हमने बनाया था, और Telnet and Alibaba तीन users बनाए थे। I'm just going to assign the license to check the activity of our shared mailbox. अभी हमने एक assign किया, access किया, which one? I think this one is 365 without teams. ये हमने दिया है इसको license. और अलीबाबा को भी हम लाइसेंस असाइन कर देते हैं। लेट मी प्रोवाइड एंड प्रोसीड टू प्रोवाइड द लाइसेंस फॉर अलीबाबा। लास्ट है टेलनेट वाला, ठीक है। चलो ये तीन इम्प्लॉय समझेंगे आप ऐसे ऐसे कि ये बंदे जो हैं काम करते हैं, ये बंदे काम करते हैं हमारी कंपनी के लिए, और दे आर रिस्पॉन्सिबल टू टेक केयर द इंटरनल आईटी। ये किसी क्लाइंट पे काम नहीं करते, ये किसी क्लाइंट के सर्विसेज को मैनेज नहीं करते, ये बंदे जो हैं सिर्फ लोकल एक्टिविटी मैनेज करने का काम करते हैं, ठीक है। बैक टू द एक्सचेंज एडमिन सेंटर, सारा एक्टिविटी हमने परफॉर्म कर दिया। अब आप एक्सचेंज पे आ जाएंगे, एक्सचेंज ऑनलाइन एडमिन सेंटर पे आ जाएंगे, एक्सचेंज एडमिन सेंटर पे आ जाएंगे, और एक्सचेंज एडमिन सेंटर पे पहला ऑप्शन है रेसिपिएंट। रेसिपिएंट के बाद हमने शेयर्ड मेल बॉक्सेस पे क्लिक किया। अंडर द मेल बॉक्सेस पे वी जस्ट नीड टू सेलेक्ट शेयर्ड मेल बॉक्स, एंड लेट मी चेक हाउ मेनी मेल बॉक्सेस आर अवेलेबल। तो एक नया मेल बॉक्स हम तैयार कर लेते हैं, डिस्प्ले नेम इज लोकल आईटी, ठीक है। डिस्प्ले नेम इज लोकल आईटी, और इसी से जुड़ा हुआ हम बनाएंगे क्या द ईमेल एड्रेस, और डोमेन हमारा वही रहेगा teachmecloud.net वाला। एलियस आई डोंट वांट टू सेट अप एनी काइंड ऑफ एलियस। सेटअप करते हैं अपने इस पार्ट को, मींस द द नेम द वर्क ऑफ कंटेनर। और आप चाहो तो लोकल आईटी हमारा रेडी हो चुका है, आप चाहो तो यहाँ से यूजर ऐड कर लो, या यहाँ पे भी हम यूजर को असाइन करा सकते हैं। तो यू जस्ट नीड टू क्लिक हियर, ऐड यूजर टू दिस मेल बॉक्स, यहाँ पे क्लिक करो। ये आपको मेंबर्स बताएगा कि कौन कौन से यूजर आप असाइन करना चाहते हैं। तो एक दो और तीन बंदों को हमने हायर किया है स्पेशली लोकल टास्क परफॉर्म करने के लिए। तो वी जस्ट नीड टू असाइन द यूजर्स इन अवर कंटेनर्स। चलिए, we successfully assign the licenses. थोड़ा सा गैप है क्योंकि हमने पहले भी डिस्कस किया था,
यूजर मेल बॉक्स और शेयर्ड मेल बॉक्स दोनों अलग मेल बॉक्सेस हैं और दोनों को आपको अलग अलग स्पेस मिलता है, दोनों में आपको अलग अलग स्पेस मिलता है। शेयर्ड मेल बॉक्स में 50 से 100 जीबी का स्पेस मिलता है और यूजर मेल बॉक्स में डिपेंड करता है कि यूजर मेल बॉक्स में कौन सा लाइसेंस है उसके अकॉर्डिंग आपको मिलेगा। चलो एवरीथिंग इज ओके, वी सक्सेसफुली असाइन द लाइसेंस। अब हमें क्या करना है, दिस इज माय रूट अकाउंट और रूट अकाउंट में जाकर के हम आउटलुक ओपन करते हैं क्योंकि आई वांटेड टू सेंड ईमेल टू द ग्रुप, ग्रुप को मेल सेंड करना है। बट मीनवाइल इनकॉग्निटो मोड में कुछ ईमेल आईडी को लॉगिन कर लेते हैं, outlook.com और इसमें हम लॉगिन करा लेते हैं अपने टेलनेट यूजर को telnet.net। ठीक है, एक ईमेल आईडी और लॉगिन करा लेते हैं टू आइडेंटिफाई कि जो शेयर्ड मेल बॉक्स है क्या वो सभी को पैरेलली एक साथ सभी को सेम ईमेल सेंड करता है, बिकॉज दिस इज द एक्चुअल टास्क दैट वी आर गोइंग टू परफॉर्म। सो outlook.com ओपन करते हैं एंड लेट मी ट्राई टू लॉगिन थ्रू द अलीबाबा यूजर। टेलनेट हमने लॉगिन करा लिया है, टेलनेट इज मेंबर ऑफ शेयर्ड मेल बॉक्स, अलीबाबा इज आल्सो मेंबर ऑफ शेयर्ड मेल बॉक्स। ठीक है, ये हमारे पास अलीबाबा का यूजर है और ये यूजर हमने लॉगिन किया रूट अकाउंट से और ये यूजर है टेलनेट। हमने दोनों यूजर को, इवन तीन यूजर को हमने सेम ही कंटेनर के अंदर रख रखा है विच इज शेयर्ड मेल बॉक्स। और शेयर्ड मेल बॉक्स एज पर द नेम सजेस्ट इट इज नॉट कम्प्लीटली ब्रॉडकास्टिंग। आप बोल सकते हो कि जितने भी नंबर ऑफ यूजर्स इसके अंदर ऐड करोगे उन सभी यूजर्स को ईमेल जो है रिसीव हो जाएगा। रूट अकाउंट ने क्या किया, एक छोटी सी क्वेरी जनरेट की और एक ईमेल डिजाइन किया, ईमेल को भेजा इन्होंने लोकल आईडी के नाम से हमने बनाया था ईमेल आईडी। चलो एक बार वेरीफाई कर लेते हैं, लेट मी आइडेंटिफाई द नेम ऑफ आवर ईमेल एड्रेस जो ग्रुप वाला ईमेल एड्रेस है,
उसको एक बार कंफर्म कर लेते हैं कि क्या है, विच इज अवेलेबल इन एक्सचेंज एडमिन सेंटर. और ये रहा लोकल आई टी, वी जस्ट नीड टू कॉपी द ईमेल एड्रेस एंड ट्राई टू सेंड. And subject name is testing. This is hi theme. Please check my setup. Mouse is not working. Too needful. ठीक है, इसको करते हैं हम सेंट. ध्यान रखना ये किसी इंडिविजुअल के ऊपर नहीं जा रही मेल, ये ग्रुप में जा रहा है मेल. जो ईमेल हम सेंड कर रहे हैं वो ग्रुप में जा रहा है, मींस मल्टीपल यूजर्स विल रिसीव द सेम ईमेल. जो कंटेंट है इसके अंदर ना, मल्टीपल यूजर्स, जितने नंबर ऑफ यूजर्स हमने ऐड किए वो सभी यूजर्स इसको एक्सेस करने का काम करें. तो how we can do that, back aa jaate hain. This one is our telnet user aur yahan pe hamara jo user hai which is Alibaba, but unfortunately ab dekhiye in dono user ke inbox mein aapko koi bhi email nahi mili. theek hai, इन दोनों के ईमेल बॉक्स में कोई भी ईमेल आईडी नहीं अवेलेबल है. व्हाई? बिकॉज जो ईमेल है ना, जो ईमेल है वो आपने शेयर्ड मेल बॉक्स पे भेजा है, तो नॉर्मल ईमेल बॉक्स से कोई मतलब ही नहीं है. अब शेयर्ड ईमेल बॉक्स को एक्सेस करने के लिए आप देखिए यहाँ पे क्लिक करोगे ये नेम के ऊपर, और यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है ओपन अनदर मेल बॉक्स. ओपन अनदर मेल बॉक्स में पहली बार एक दो बार ही आपको सर्च करना पड़ेगा अपना जो ईमेल एड्रेस है ना वो सर्च करना पड़ेगा, अदरवाइज ये आपका डायरेक्टली इसी पैनल पे आ जाएगा. अब देखिए ये ईमेल सेंड किया था हमने, एज इट इज आप आ जाइए इस वाले पैनल पे, मतलब जो हमारा अलीबाबा का यूजर है यहाँ पे भी सेम प्रोसीजर फॉलो करेंगे. चलिए ये आ गया आपके पास. ठीक है, दोनों ईमेल आईडी में दोनों मींस एम्प्लॉय के पास सेम कंटेंट आ रहा है. अब कोई भी बंदर रिवर्ट बैक करेगा, जैसे अलीबाबा के पास टाइम है, सो अलीबाबा ने बोला ठीक है I'm राइट नाउ आई एम फ्री, I'm जस्ट गोइंग टू रिजॉल्व योर इशू. ठीक है, इसने ओके करके डन कर दिया और सेंड कर दिया. अब ये रिवर्ट बैक किसको हुआ है? उसी मेल पे, यानी जिसने भेजा है. तो अब देखिए इसको जो ईमेल रिसीव हुई है, आई डोंट थिंक कि किसी बंदे के नेम से आ रही है यहाँ पे ईमेल. सेम ईमेल आईडी से ही आ रही है, लुक कर वो उसी मेल आईडी से आ रही है जिस मेल आईडी पे हमने भेजा था, उसी मेल उसी ईमेल आईडी से आ रही है. इसका मतलब ये है कि प्रोडक्टिविटी को इन्हांस करना, किसी एक बंदे को क्रेडिट ना जाए, इस वजह से इसको इस तरीके से डिजाइन किया गया कि ठीक है एंड ऑफ द डे मंथली रिव्यू जब होगा ना तो उसमें ये नहीं आएगा कि इस बंदे ने ज्यादा काम किया. ठीक है, उसमें यह है कि लोकल आईटी का काफी ज्यादा मीन्स पॉजिटिव रिस्पॉन्स रहा, इनका टास्क काफी अच्छा रहा, लाइक दैट. टीम वर्क के लिए, टीम वर्क के लिए, not credited to one person, to individual person. Yes, ठीक है, यहाँ तक कोई confusion, कोई doubt? No sir. हाँ, ये है shared mailbox, ये पहला task है shared mailbox का. हाँ, चलो आगे बढ़ते हैं हम इसमें, अगले वाले स्टेप पे मूव करते हैं एंड व्हिच इज रियली इंपॉर्टेंट. आ जाते हैं एक्सचेंज पे, देखते हैं क्या क्या ऑप्शंस दिखाई पड़ रहे हैं हमें एक्सचेंज एडमिन सेंटर पे.
ये क्लोज कर देता हूँ. इसमें कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट प्लीज? एसेस करनी है हमें. यस सर. ठीक है, यहाँ पे कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट प्लीज? नो सर. ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जब आप मेल बॉक्सेस की बात करते हो ना, तो मेल बॉक्स के अंदर जो शेयर्ड मेल बॉक्स हमने क्रिएट किया, आप देखिए मल्टीपल ऑप्शंस दिखाई पड़ रहे हैं. वी आर एबल टू फाइंड मल्टीपल हम लोग से एक ही आईडी बना सकते हैं कि मल्टीपल आईडी भी बना सकते एन हैं नंबर ये ऑफ आईडी, एन नंबर शेयर ऑफ शेयर मेल बॉक्स. मल्टीपल आपके ऊपर डिपेंड करता है. ठीक है, क्योंकि यू नो दैट एचआर डिपार्टमेंट को अलग चाहिए, सेल्स डिपार्टमेंट को अलग चाहिए, आईटी को अलग चाहिए, ऐसे ही लाइक एज अ मार्केटिंग डिपार्टमेंट को अलग चाहिए. तो डेफिनेटली हर मल्टीपल शेयर्ड मेल बॉक्स हम तैयार कर सकते हैं अलग अलग पर्पज के लिए. अब आप देखो यहाँ पे सेटिंग्स है, आप मेल बॉक्स को डिलीट करना चाहते हैं, यू कैन डू दैट. शेयर्ड मेल बॉक्स को रिमूव किया जा सकता है. मेल फ्लो सेटिंग चेक कर सकते हैं कि जो ईमेल का कन्वर्सेशन है, जो आप ईमेल सेंड कर रहे हो या रिसीव कर रहे हो, उसका एक्चुअल में फ्लो कैसा है. हाइड फ्रॉम एड्रेस लिस्ट, व्हाट इज द एड्रेस लिस्ट? वो हम लोग कॉन्टेक्ट लिस्ट में ईमेल आईडी को ऐड करते हैं ना, सेम एस कॉन्टेक्ट लिस्ट. एग्जैक्टली. ये बेसिकली क्या है, ये यू कैन से कंसीडर इट एज ए लाइक एज गैल. आप इसको गैल के तरीके से यूज करते हैं, ग्लोबल एड्रेस लिस्ट की तरीके से, और गैल के अंदर ये सारी चीजें आपको अवेलेबल होती है. आप उसको अगर हाइड करना चाहते हैं, आप नहीं चाहते हैं, अपनी प्राइवेसी हटाना चाहते हैं, तो आप इसको हटाए वहां से डिस्कनेक्ट कर सकते हैं. एडिट ऑप्शन में कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन या ईमेल आईडी जो आपने इसके अंदर ऐड कर रखा है, मान लीजिए आपके क्रिएट करने के बाद कुछ दिन बाद आप इसमें कुछ और एडिटिंग करना चाहते हैं, रिमूव करना चाहते हैं या ऐड करना चाहते हैं, तो एडिट वाले पैनल पे जाकर के हम लोग मैनेज कर सकते हैं. राइट, नेक्स्ट. एज इट इज मेल बॉक्स डेलीगेशन, डेलीगेशन मतलब होता है राइट्स को बढ़ाना. राइट्स इन द सेंस कि अगर आप किसी दूसरे यूजर को ऑनरशिपिंग प्रोवाइड करना चाहते हैं, सो आप डेलीगेट पे कर देंगे. कन्वर्ट टू द रेगुलर मेल बॉक्स, आपको लगता है नहीं ठीक है, शेयर्ड मेल बॉक्स हम नहीं कंटिन्यू करना चाहते हैं, बट इसके जो कन्वर्सेशन हुए वो हम स्टोर करके रखना चाहते हैं, तो आप उसको क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट टू द रेगुलर मेल बॉक्स में कर सकते हैं. मतलब ये नॉर्मल मेल बॉक्स में आ जाएगा. ओके, मेल बॉक्स डेलीगेशन मींस अभी मैंने एजुर को ऐड किया है, एजुर को निकाल के मेरे को दूसरे को मींस लाइक अमेज़न को ऐड करना है, तो मेल बॉक्स डेलीगेशन में जाके कर सकता हूं मैं. हाँ बिल्कुल. ओके, चलो नेक्स्ट. इसमें हो गया ये शेयर्ड मेल बॉक्स का कॉन्सेप्ट हो गया,
let's try to understand about the another part. Like as shared mail box के बाद अगला जो option है वो है group का. Shared mail box की तरीके से ही हम multiple group बना सकते हैं. अब ध्यान रखना है इसमें ये कि इन group का काम क्या है, किस तरीके से इनको हम utilize करेंगे. चलिए maybe I'm just going to delete the finance नाम का हमने एक group बनाया था उसको delete कर दिया, और HR नाम का एक group बनाया था उसको delete कर दिया. Which is really important for us. We must need to know about the usage of group और number of groups कितने तैयार किया जा सकता है. अगर total number of group की बात करें तो चार आपको group दिखाई पड़ रहे हैं यहाँ पे, right? अलग अलग groups आपको दिखाई पड़ रहे हैं. एक है 365, दूसरा है distribution list, तीसरा है dynamic distribution list और चौथा है mail enabled security. ठीक है, try to understand about the gap between these groups. इनके बीच में gap क्या है वो समझने की कोशिश करते हैं. जो पहला ग्रुप है ना, माइक्रोसॉफ्ट 365 ग्रुप, ये कॉमन और रेकमेंडेड ग्रुप है, राइट? कॉमन एंड रेकमेंडेड ग्रुप इन द सेंस कि कोई स्पेसिफिक वो यूज होता है. हाँ, कोई स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म कर रहे हो. जैसे कि हर एक कंपनी में, आईटी कंपनी में एक एलएनडी डिपार्टमेंट होता है, लर्निंग एंड डेवलपमेंट का डिपार्टमेंट होता है, जिसकी जिम्मेदारी होती है कि भाई वो नए टेक्नोलॉजी पे ट्रेनिंग दिलाना नए यूजर को, और जो नए जॉइनर्स हैं जिनको हमने रिसेंटली हायर किया है उनको ट्रेनिंग दिलाना, लाइक दैट. ऐसे ऐसे ये सभी टास्क जो है एलएनडी डिपार्टमेंट का होता है, करेक्ट? अब उस एलएनडी डिपार्टमेंट में जो मीटिंग शेड्यूल होती है, जो ट्रेनिंग शेड्यूल होती है, वो सिर्फ अप्लीकेबल होती है जो नए जॉइनर्स आए हैं. एग्जिस्टिंग इंजीनियर के लिए नहीं है, टीटीएल के लिए नहीं है, मैनेजर के लिए नहीं है, या फिर अदर जो इम्प्लॉयज है, एचआर डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट में काम करने वाले इम्प्लॉयज हैं, उनके लिए भी वो काम वो 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 पर्टिकुलर ग्रुप नहीं है. 365 ग्रुप के अंदर अगर आपने मेंबर्स को ऐड किए, ठीक है, 365 ग्रुप के अंदर जो मेंबर्स को आपने ऐड किया है, वो सारे के सारे मेंबर्स आपस में चीजों को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो. आपस में चीजों को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो. क्या क्या? कैलेंडर डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है, राइट? आपस में कैलेंडर डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है. कोई मीटिंग शेड्यूल हो रही, मीटिंग को आप क्या कर सकते हो, आपस में वो कर सकते हो, ट्रांसफर मींस ग्रुप के अंदर शेयर कर सकते हो. वन ड्राइव की शेयरिंग हो जाएगी ग्रुप, अगर आपने शेयर पॉइंट कुछ बना रखा है शेयर पॉइंट की शेयरिंग हो जाएगी. तो ये सारे के सारे टास्क आपके नॉर्मल माइक्रोसॉफ्ट 365 ग्रुप से होते हैं. बिल्कुल आसान सा तरीका है इसको क्रिएट करने का. ऐड ग्रुप में जाओगे, नंबर ऑफ ग्रुप्स अवेलेबल है, रेकमेंडेड है, अलाउ टीम्स टू कोलैबोरेट बाय गिविंग द टीम अ ग्रुप ईमेल एंड शेयर्ड वर्कस्पेस फॉर conversation, comma file and calendar in Outlook. These are called Microsoft 365 group. ठीक है ना? मतलब common group है ये जो सभी के लिए assign किया जा सकता. I'm going to create one group. आप decide कर सकते हो नाम, क्या नाम देना है इसको. मान लीजिए हमने एचआर के नाम से क्रिएट किया. डू यू वांट टू डिस्क्राइब एनीथिंग? आप इसमें कुछ भी डिस्क्राइब करना है तो कर सकते हो. नेक्स्ट, दिस इज द पैनल. हां, दिस इज द पैनल. 365 का कर रहे हैं ना? हां, माइक्रोसॉफ्ट 365 का ग्रुप हम ऐड कर रहे हैं. ओके, सो असाइन द ऑनर. एक ऑनर आपके पास होना चाहिए इसमें से, तो कोई भी ऑनर आप डिसाइड कर लो. लाइक आई एम गोइंग टू असाइन माय रूट अकाउंट एज ए ऑनर. रूट अकाउंट एक तरीके से ऑनर के तरीके से काम करता है, के लिए हमने असाइन कर दिया. नेक्स्ट, ये वाला पैनल जो है वो मेंबर के लिए है. एड मेंबर्स पे क्लिक किया हमने, अलीबाबा को असाइन किया, Azure को असाइन किया और टैलेंट को असाइन कर दिया. ये तीनों बंदे हैं इसके अंदर जो काम करेंगे. अब ये क्या कर सकते हैं, आपस में कैलेंडर को शेयर करना,
कोई फाइल शेयर करनी है शेयर पॉइंट के थ्रू, तो ये सभी टास्क हो सकता है। नाम दे दिया हमने एचआर @teachmecloud.net। ऑलराइट, यस सर। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद क्रिएट। एचआर के नाम से हमने एक ग्रुप बना दिया, बट अनफॉर्चुनेटली असाइन है ऑन microsoft.com में। सॉरी सर, द ग्रुप दैट वी क्रिएटेड एचआर के अंदर इसकी, हाँ नहीं ठीक है, प्राइमरी ईमेल आईडी, दिस इज द एलियस जो ऑन microsoft.com पे है ना, व्हिच इज द एलियस। एलियस डालना पड़ता है कि ऑटोमेटिक ही हो जाएगा? नहीं, ये ऑटोमेटिक है क्योंकि हमारे पास दो डोमेन है ना, सो जो जो डिफॉल्ट वाला डोमेन है वो एज ए एलियस कंसीडर किया गया, और जो नॉर्मल यूजर है वो हमारा बेसिक प्राइमरी ईमेल आईडी से एसोसिएटेड है द डोमेन दैट वी एडेड। तीन मेंबर हैं इसके अंदर, हम ऑलरेडी इसकी आईडी ओपन कर रखे हैं, मेंबर हैं इसमें। तो नाउ व्हाट यू नीड टू डू, अब जो भी कैलेंडर डिजाइन करोगे आप, जो भी आप टीम डिजाइन करोगे, ठीक है ना, एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, दिस इज अवर रूट अकाउंट, और रूट अकाउंट में आपने कोई कैलेंडर डिजाइन करने की कोशिश की, राइट, यू वांट टू सेट अप वन कैलेंडर। या कोई फाइल आप असाइन करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपको इस बारी सारे यूजर्स को नहीं एक्सेस करने हैं, आपको सिर्फ वही ग्रुप दे देना है, और उस ग्रुप के अंदर तीनों बंदे आ जाएंगे, मतलब जितने भी मेंबर्स हैं वो सारे बंदे आ जाएंगे। एचआर ग्रुप खाली दे देने का, हाँ एचआर का ग्रुप दे देंगे, लाइक वन नोट्स। ठीक है, यहाँ पे हमने शेयर पे क्लिक किया और मैनेज एक्सेस पे गए, और मैनेज एक्सेस पे हमें क्या करना है, सिर्फ वी जस्ट नीड टू असाइन द ग्रुप। हाँ, असिस्ट जस्ट गिव मी वन मिनट प्लीज़।